आपका हेयर ड्रॉप रिजल्ट तो फेल हो चुका है, कोई नहीं है, सब बकवास है, आपने आपके पैसे वेस्ट हो गए, बट नाउ अ डेज आपको क्या लग रहा है ये आपको कमेंट करके ही बताना है कि फेल है या सक्सेस है। नमस्ते डॉल्फी गाइस, मैं नवीन सोनू कुमार मिश्रा एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज जो कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की पूरी जर्नी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। एंड नाउ वन डे मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को अप्रॉक्स 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं। 3 साल में सिर्फ और सिर्फ 2.5 महीने रह गए हैं। अब इस 2.5 महीने से पहले यदि मेरी अभी की क्या कंडीशन है, बहुत से ऐसे कमेंट भी आए थे आप लोगों के कि सोनू भाई एक अपना सेपरेट वीडियो जो है रिजल्ट का बनाकर दिखाओ कि आपका रिजल्ट अभी है कैसा, क्या कैसा ग्रोथ है, बाल पतले तो नहीं हुए, बाल झड़ तो नहीं रहे, एंड किस तरीके का जो है आप ट्रीटमेंट या फिर किस तरीके से आप मेंटेनेंस अपने बालों का कर रहे हो। सो इस वीडियो में आपको पूरा चीज़ जो है मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। जो चीज़ छूट जाएगा वो मैं आपको 3 महीने का जब सॉरी 3 साल का रिजल्ट हो तब बता दूंगा, लेकिन उससे पहले चैनल में आप फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और नए वीडियोज़ बनाने के लिए। अच्छी बात यह है मैं आपको दूर से दिखाऊँ तो दूर से आप मेरी कंडीशन देख लो, साइड की ये देख लो, ऊपर से ये साइड की ये देख लो, पास आगे दिखाऊंगा कंघी करके दिखाता हूँ वो ज़्यादा बेटर होगा। अब देखो ये मैं आ गया पास, सबसे पहले बात करता हूँ हेयर लाइन की। ये है मेरी हेयर लाइन, पहले आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर डॉट डॉट सा दिखता होगा ना, दिखता था, बट अब आपको यहाँ पर कोई डॉट नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। ये है मेरी फुल ग्रोथ, आपको तो दिख रही है पूरा ज़बरदस्त तरीके का। देखो कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, जो नेचुरल कैमरा आपको दिखा रहा है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ बस। बाकी जो है मैंने ऑटो मोड में इसको करा हुआ है, अब मैं आपको कंघी करके दिखाता हूँ। ये देख ये है मेरे एक्चुअल कंडीशन हेयर ट्रांसप्लांट का। हेयर देखो जो है नेगेटिविटी की बात करूँ ना तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिव करते हैं, मेरे को मतलब मेरा नेगेटिव बोलते हुए मेरे नेगेटिविटी करते हुए दिख जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। जब मैंने अपना हेयर ड्राफ्टिंग करवाया था ना तो उसके बाद भी कई सारे ऐसे कॉमेंट आए थे कि सोनू भाई आपका हेयर ड्राफ्ट तो फेल हो चुका है, कोई नहीं है, सब बकवास है, आपने कब के पैसे वेस्ट हो गए, बट नाउ अ डेज आपको क्या लग रहा है ये आपको कमेंट करके ही बताना है कि फेल है या सक्सेस है। डेफिनेटली सक्सेस है, मुझे जहाँ तक लगता है 100% सक्सेस है। और जो सोनू यदि मैं आपको अपने बिफोर कंडीशन की बात करूँ तो ये मेरी कंडीशन थी कुछ जहाँ पर लाइक मेरे सर पे बाल थे ही नहीं, मतलब ओवरऑल मेरा 4 to 5 6 का जो है सॉरी 4 to 5 ग्रेड का बाल्डनेस हो चुका था, सर पे बाल नहीं था। बट नाउ वन डे ये सोनू आपके सामने खड़ा है और जो भी मैं हूँ आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हूँ। कई सारे लोग पूछते हैं कि आपके ग्राफ्ट कितने लगे थे, मेरे जो है टोटल 3500 ग्राफ्ट लगे थे 3700, बट मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से बताया 3500 ग्राफ्ट लगे थे, 100, 150, 200 ऊपर वैसे उतर रहा था, उसकी इतनी चर्चा नहीं करते। अब जो बिफोर कंडीशन में जो मेरी वीडियोज़ वगैरह होती थी वो कंडीशन और आज की जो कंडीशन है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत मेजर डिफरेंट है। बट एक मैं ऐसा ही वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें आपको वीडियो के माध्यम से शुरू से लेके अभी तक के वीडियो के माध्यम से रिजल्ट दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपको एक्चुअल कंडीशन पता लग सके कि ट्रांसप्लांट के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, ट्रांसप्लांट किस तरीके से किया जाता है, ट्रांसप्लांट करने के बाद रिजल्ट आने के बाद क्या क्या मेंटेनेंस लगती है, PRP कितनी लेनी होती है, GFC कितनी लेनी होती है, इन सब के ऊपर मैं जो है 3 महीने का वीडियो बनाऊंगा तो पूरा का पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। अभी मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया, थोड़ा और पास में आकर दिखा देता हूँ। ये देखो ये है मेरी अभी की रिजल्ट, ये 3 साल अभी कम्प्लीट नहीं हुए हैं, अभी 3 साल में 2.5 महीने कम ही बचे हुए हैं, ये रिजल्ट है। कमेंट करके आपको बताना, डोनर एरिया दिखा देता हूँ, दिख रहा सही दिख रहा है, डोनर एरिया मेरा भी ये है, कटवा रखे मैंने अपने बालों को बट फिर भी डोनर एरिया कैसा लग रहा है ये आप कमेंट करके बता देना। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।